हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल जी एजे किचन, जहां आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना चीज कटलेट। और इस रेसिपी को बनाने में हमें पूरी टीम सहयोग करने वाली है, ये सब कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साबुदाना चीज कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले साबुदाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमने एक मध्यम आकार की कटोरी साबुदाने की 5 घंटे के लिए पानी में भिजाकर रख दी थी। तो आइए अब इसका पानी ड्रेन करके निकाल लेते हैं। सारा कर लें। हमने एक बड़े साइज का परात ले लिया है, अब जो ड्रेन किया पानी ड्रेन किया हुआ साबुदाना इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब हमने इसमें मिक्स करने के लिए एक हरी मिर्च और एक मीडियम आकार का प्याज लिया है। आधा चम्मच गरम मसाला दिखाते हैं। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर स्वाद अनुसार, नमक यह है क्रश करा हुआ मूंगफली। ठीक है, सारे मसाले और साबुदाने को अब मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे मसाले और साबुदानों को आपस में मिक्स कर लिया है। अब इसे टेक्सचर देने के लिए, मेन टेक्सचर देने के लिए इसमें आलू मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें 2 बड़े साइज के आलू का यूज किया है। उबले हुए आलू मिक्स करने के बाद हमारा जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तैयार मिश्रण को अब हम फटाफट कटलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कटलेट को शेप में गोल कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम साबुदाना चीज कटलेट बनाने वाले हैं, तो हमने, हमारे पास चीज है, उसको हम कटलेट के अंदर कवर अप कर लेते हैं। अब हमारे कटलेट सिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो काफी एक ही रहता है। दोस्तों, हमने कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे तवे पर सेट कर देंगे। अब तैयार चीज कटलेट को हम नॉनस्टिक पर रख लेते हैं। हम इसे मीडियम आंच पर शैलो फ्राई होने तक पकाएंगे। कटलेट्स को पलटते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेकना है। वाओ, क्या टेक्सचर आ रहा है तुम्हें। ये हमारे कटलेट का फाइनल लुक, ये बनके ऐसा तैयार हो जाएगा। अब इसको, ये देखिए चीज गरम गरम। तो तैयार है दोस्तों हमारा ये चीज कटलेट, और आप चाहें बड़ी ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। बहुत कम मेहनत और बहुत अधिक जायके के साथ आप इसे बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।